शादी के लिए इतना ही उतावला हो रहा है ना, क्या लड़की ढूंढ अपने लिए? अरे इंटरनेट पे इसको फॉलोअर्स नहीं मिलते हैं, लड़की क्या मिलेगी? दोस्तों फिल्म सत्य प्रेम की कथा जिसको बॉक्स ऑफिस पे लगे हुए को आज दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि फिल्म अपने दूसरे दिन कितने करोड़ रुपए का प्रेडिक्शन बता रही है और ऑडियंस की तरफ से मूवी के पब्लिक रिव्यू कैसे निकल के आए। अगर दोस्तों आपने अभी तक फिल्म के पब्लिक रिव्यू नहीं देखे तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म सत्य प्रेम की कथा की तो यह मूवी एक फैमिली ड्रामा लव स्टोरी फिल्म है जिसके अंदर आपको कियारा आडवाणी, कार्तिक आर्यन, राजपाल यादव और गजराज राव जैसे बेहतरीन और दमदार एक्टर काम करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ऑडियंस और बच्चों को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म की आने वाली अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं हॉलीवुड टॉलीवुड और बॉलीवुड के अपडेट, तो आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म सत्य प्रेम की कथा की तो दोस्तों इस मूवी का जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है वो हमको देखने के लिए मिली 14% की, आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी देखने के लिए मिली 22% की, इवनिंग की ऑक्यूपेंसी देखने के लिए मिली 28% की और दोस्तों जो नाइट के शोज है उसकी ऑक्यूपेंसी हमको 33% की देखने के लिए मिली है। जिससे कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म सत्य प्रेम की कथा अपने दूसरे दिन ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों फिल्म ने ऑलरेडी अपना बजट रिकवर कर लिया और मूवी का बजट भी केवल 50 से 60 करोड़ रुपए है। जिससे कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म सत्य प्रेम की कथा अपने दूसरे दिन लगभग 9 करोड़ रुपए कमाते हुए नजर आ रही है और दोस्तों मूवी ने अपने पहले दिन का जो अंदाजा है यानी कि प्रिडिक्शन लगभग 7.5 करोड़ रुपए का बताया था। अगर ये फिल्म अपने पहले दिन 8 करोड़ रुपए भी कमा लेती है दोस्तों यकीन मानिए कि यह फिल्म अपने 2 दिनों में केवल 17 करोड़ रुपए का कारोबार नहीं करेगी बल्कि अपने पहले हफ्ते में 100 करोड़ रुपए का कारोबार कर लेगी। अब दोस्तों अगर आप फिल्म सत्य प्रेम की कथा को देख के आ चुके हैं तो आपको मूवी कैसी लगी और आपने फिल्म को कितना स्टार रिव्यू दिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।